नमस्ते जी, कैसे हो आप? सब लोग ठीक हो? तो मैं आज बनाने जा रही हूँ नमकीन बेसन की एक कटोरी। तो मैंने बेसन लिया है एक कटोरी, और एक कटोरी भी और डालूँगी। तो मैं इसमें बनाऊँगी बारीक वाली नमकीन। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं बारीक वाली नमकीन बनाऊँगी, तो मैं आज बनाने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। मैंने दो कटोरी बेसन डाल दिया है, इसमें डालती हूँ थोड़ा तेल डाल दूँ दो चम्मच के बराबर। नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। तो मैंने इसको तेल के साथ अच्छे से मिला दिया है, और तेल डालने से हमारी नमकीन अच्छी खुशखुशी हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। मैंने बेसन अच्छे से घूम दिया है, आप देख सकते हैं अच्छे से एकदम से हो गया सब। चलिए शुरू करते हैं बनाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने ये मशीन ले रखी है, और थोड़े से नमकीन इससे बनाऊंगी सारे से, और तो से मशीन से बनाती हूँ। इस तरह से लगाती हूँ तेल, तो चलिए तेल गरम हो चुका है हमारा, और चेक करते हैं। तो तेल एकदम से गरम हो रखा है, तो मैं पहले इसमें बनाती हूँ। ये अच्छे से तो पक चुकी है नमकीन।
अब चलिए मिक्स बनाते हैं मिक्स मशीन में। डालते हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कि नमकीन अच्छी से बन रही है और एकदम से खिसखिसी हो रखी है एकदम से। देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना नमकीन। तो चलिए और बनाना शुरू करते हैं और दूसरे डिजाइन का बनाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने ये लगा रखा है काला वाला सांचा, तो अब इसे बनाती हूँ। चलो ये बन चुकी है अच्छी से, इनको मैं निकाल देती हूँ। देखते हैं इसमें कितना बचा है, तो थोड़ा सा होगा तो उसको बना देते हैं। तो नमकीन मेरी बन चुकी है और अलग अलग प्रकार की बना रखी है। देखिए अब ये ऐसी बना रखी बारीक वाली और ये छोटी वाली बना रखी है, छोटी वाली नमकीन। और ये तो खूब मोटी हो रखी है, खूब करकरी हो रखी है, खाने में भी खूब कुरकुरी हो रखी है और अच्छी लग रही है देखने में भी। और आज की वीडियो बस इतनी है, और अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।